सारा सामान ना अच्छे तरीके से लगाया आज मैंने, ये दिख रहा है। और एक चीज़ भूल गया मैं, ये चप्पल है ना मैं बैग में डालनी भूल गया, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया खुला ओपन में ही। मैं ना पहले बाइक ही दिखाने लग गया आपको, मैं भूल गया नमस्कार भी करनी होती है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल अठवाल राइडर, और सभी को प्यार भरी नमस्कार। काफ़ी टाइम के बाद लोग आ रहा है, मेरे ख्याल से 15 से 16 के दिन के करीब हो गया, इतना मुझे रेस्ट चाहिए था लद्दाख से आने के बाद। जैसा मैंने पिछले टाइम पे बोला था ना कि मैं कहाँ जाऊँगा, मणि महेश या केदारनाथ बद्रीनाथ, तो पहले स्टार्टिंग में मैं अब की बार मणि महेश जा रहा हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगा कि या तो मैं कश्मीर की तरफ निकलूँगा या फिर मैं स्पीति वैली की तरफ निकलूँगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने पिछले टाइम पे स्टार्ट किया था, वहीं से, वही सेम ढाबा है, वहीं पे मैंने व्लॉग वहीं से शुरू किया है। और आज की बता दूँ, मेरी ये राइड ना सोलो राइड है, मैं सिंगल अकेला हूँ, मतलब कोई मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा लग रहा है, आगे एक भाई है, अगर वो मिल जाए तो ठीक है। जिसको आप लोगों ने मेरे लद्दाख के व्लॉग में देखा होगा, 3 साइकिल वालों की मैंने वीडियो बनाई थी, उनमें से ना एक भाई है, उसकी कॉल आई थी कि मैं भी मणि महेश जाऊंगा। तो मैंने उसको बोला कि कहीं रास्ते में मिल जाए ना, तो मैं यहाँ पे ढाबे पे रुक गया हूँ और थोड़ा सा ना चाय पी के ना फिर आगे निकलूँगा। चंडीगढ़ उधर है, शिमला भी उधर है, पटियाला और लुधियाना सीधा है। अम्बाला पहुँच चुका हूँ मैं, और ये लास्ट है मेरे, अम्बाला आपका स्वागत करता है। मैं यहाँ पर ना एक दो फोटो शोटो लेता हूँ, उसके बाद आगे निकलूँगा थोड़ा सा साइड में लगा के। ये जो धनुष टाइप है, हरियाणा को यहाँ से मतलब क्रॉस कर लिया मैंने। गर्मी बहुत ज़बरदस्त है, मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे छाया में लगा लूँ। हरियाणा स्वर्ण द्वार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये रास्ता ना सीधा पठानकोट को जा रहा है, और राजपुरा के पास पहुंचा हूँ, और ये रास्ता जा रहा है क्या बोलते हैं उसको, जलंधर जा रहा है। जलंधर मेरा एक दोस्त रहता है, अभी उससे ना बात हुई है, मैंने उसको बोला लोकेशन, ओ भेज भी दी उसने, लोकेशन मंगाई है मैंने उससे, ये भेज दी उसने लोकेशन। अभी ना मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मेरा वैसे ख़राब होने वाला है, क्योंकि जाऊँगा फिर वापस आऊँगा फिर रोड। चलो कोई नहीं, दोस्त से मिल के चलेंगे। ये है हमारे दोस्त। कौन सा है मकान आपका? पुल क्रॉस करके फिर निकलने का है? हाँ पुल करते देखिए, आप क्रॉस करके आ रही थी। हाँ मैंने भी यू टर्न लेंगे, मैंने कही हाँ, फिर आप यू टर्न लेके फिर आए हो ना। हाँ हवा कम है। ये सामने सामने चला हुआ है, ये है मेरा दोस्त, यहाँ मैंने पराठे वगैरह खाया। अच्छा हाँ। अच्छा तो ये कह रहा है कि मैं ना आगे मिलता हूँ, आगे ना हवा भरवा लेते तेरी बाइक में, पीछे हवा कम है। मैंने कहा चलो देखते। अच्छा यहाँ पे तो ये पीछे पीछे आ रहा, ठीक है, अच्छा लगा थोड़ा सा, इतनी दूर आए भी तो दोस्त से मिल लिए, आधा घंटा पौना घंटा बैठ लिया मैं यहाँ पे, यहाँ ना हवा चेक करा लेता हूँ। ठीक है परदेश भाई, चलते हैं। चल थैंक यू, वापसी पे घर ही मिलेंगे। यहाँ ना, यहाँ जाना ना, यहाँ नहीं आता फिर ले, तो आना तो है आपने। मैंने तो आना है, आप इधर होके ही जाना मेरे पास। चलो देख लेंगे जैसा भी होगा, पता नहीं अब मैं बैठे, मेरी बात तो कुछ करेंगे। मेरी बात तो सुनो, वहाँ से मतलब मणि महेश जाके हम, मैं ये सोच रहा हूँ या तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा कश्मीर में, या फिर स्पीति वैली, उस पर डिपेंड है। अगर कश्मीर गया तो मैं वापस आऊँगा, स्पीति वैली गया तो फिर मैं वहाँ के वहाँ स्पीति करके फिर शिमला होते हुए फिर मैं देहरादून से निकलूँगा केदारनाथ बद्रीनाथ। हरिद्वार हो गया, हो गया। हाँ देखेंगे कैसा भी जैसा भी, फोन पर बात करेंगे। ओके चले, ओके। अभी ना टाइम शाम के ना 4:15 हो गए, और मैं पहुंचा हूं जलंधर, और यहां से पठानकोट को राइट टर्न जाता है। बड़ी ज़बरदस्त वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहां थोड़ा सा आगे जाके मुझे पेट्रोल भी लेना पड़ेगा ना, मेरा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया, एक पॉइंट बचा है, दिख रहा है, एक ही पॉइंट है। सुबह फुल करा के चला था, 1100 रुपये का पेट्रोल आया था, अभी फिर 1100 का ही आएगा क्योंकि खाली हो गई टंकी।
इंडियन ऑयल का पंप आ गया यहाँ से ना, मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यहीं से डलवाया था पेट्रोल, जब मैं लद्दाख जा रहा था पिछले महीने, यहीं इसी पंप से पेट्रोल डलवा रहा था, और फिर यहीं से डलवाऊँगा। मैं जहाँ से अपने दोस्त के पास से चला था ना, वहाँ से कंटिन्यू चल रहा हूँ, लगातार चल रहा हूँ वहाँ से। मैं वो था क्या कर, पटियाला, पटियाला से मैं लगातार चल रहा हूँ। अभी ना मैं जलंधर क्रॉस करके 5 किलोमीटर आगे ना ये पेट्रोल पंप दिख रहा है, यहाँ पे आके रुका हूँ। यहाँ पे मैंने बाइक खड़ी कर दिया, मुँह धोया है, थोड़ा सा फ्रेश हुआ। इतनी ज़बरदस्त गर्मी है पीछे, बहुत तेज़ गर्मी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कब तक मैं पठानकोट क्रॉस करूँ। पठानकोट शायद आज रात को स्टे पठानकोट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पीछे मैंने बताया था कि वो जो साइकिल वाला भैया है वो बस से आ रहा है, तो वो पठानकोट तक पहुंचने में उसको टाइम लग जाएगा, उसका वेट करना पड़ेगा मुझे। देखेंगे फिर भी कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। मैं ना एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सामने ट्रक दिखाई दे रहा है ये ना, इसमें ना भेड़ और बकरियों को ना, बेचारा जो कहते हैं ना कि भेड़ बकरियों की तरह ढूंस रखा है, सही कहावत है ये, भेड़ बकरियों की तरह ही ढूंस रखा। मैं थोड़ा सा आगे करके ले जाके फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो इधर से, मतलब पूरा भर रखा है, ऊपर से नीचे तक बेचारों का बुरा हाल कर रखा है, गलत है यार। बहुत दिनों के बाद गणेश भगवान के दर्शन हो गए हाथी के। अच्छा उस भाई ने ना मुझे अपनी लोकेशन तो क्या, वो मेरे से पीछे ही है, वो ना प्राइवेट बस में बैठा है, तो वो मेरे से पीछे रह गया, मैं उससे आगे निकल गया। हालांकि वो मेरे से 100 किलोमीटर आगे था, खैर मैं बाइक पे हूँ इसीलिए शायद वो पीछे रह गया। तो उसने कोई मतलब व्हाट्सअप किया मेरे पास, एक लोकेशन भेजी है कि उसने बोला कि वहाँ पे कोई गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पे रुकता हूँ जाके, मतलब उधर से आते टाइम पे वो गुरुद्वारे में ही रुका था जब वो श्रीनगर से अभी आ रहा था 2-3 दिन पहले। तो उसने लोकेशन भेज दी, मैंने इसमें लोकेशन डाली, तो इसमें दिखा रहा है अभी 37 किलोमीटर 37 मिनट में। काफ़ी टाइम से चला हुआ वैसे मैं, लेकिन पहुँच जाएंगे। कुछ नहीं, लेकिन पठानकोट ना यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया और पहाड़ शुरू हो गए, मतलब वो फीलिंग आनी शुरू हो गई जो पहाड़ों में आती है। मतलब पूरे दिन से जो गर्मी में मरा हुआ था ना, गर्मी ने मेरा खून चूस लिया, सारा पसीने के कारण मेरा बुरा हाल हो गया था, अभी थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा, ठंडक ठंडक। चलो पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है, तो अब तो मेरे ख्याल से गर्मी नहीं लगने वाली। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ गुरुद्वारा, और वो भाई आ रहा है, उसको आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये भाई मिला मेरे को गुरुद्वारे वालों ने, यहाँ से जो गेट पे बैठते हैं ना, दुकान वाला था कोई, उसने मेरे को मना कर दिया कि यहाँ पे ना कोई, क्या बोल रहे थे वो, क्या आ रहा है कोई कल सत्संग वगैरह, कि आपको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। तो ये भाई मिला, इसने बड़ी मदद की मेरी, और यहाँ पे ना मतलब सोने के लिए व्यवस्था करा दी। और चंबा के लिए रास्ता ना इस गुरुद्वारे से बिल्कुल जस्ट 1 किलोमीटर भी नहीं होगा वो रास्ता, 1 किलोमीटर भी नहीं है वो रास्ता जा रहा। भाई आपका नाम क्या है? मनीष है भाई, मजा आ गया मनीष भाई के साथ, आज पूरी रात इन्हीं के साथ है, पूरे मजे लेंगे यहाँ पे। और ये इन्होंने एक गुरुद्वारा दिखाया, ये देखो, ये इसके बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया का तीसरे सबसे क्या है, ये तीसरे नंबर पे इंडिया का, वर्ल्ड में मतलब इंडिया में तीसरे नंबर पे है ये, किस चीज में, गुरुद्वारों में? हाँ गुरुद्वारों में, मेन गुरुद्वारों में। क्या नाम है इसका? इसका वर्ल्ड पीस टेम्पल, वर्ल्ड पीस टेम्पल के नाम से है, तीसरे नंबर पे है इंडिया में ये। आज देखेंगे पूरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी ना टाइम हो गया 8:45 के रात के, और मैं ना उस भाई को लेने जा रहा हूँ, उसकी लोकेशन लाइव लोकेशन उसने मेरे पास भेज रखी थी। उसको ना बस वाले ने गुरुद्वारा के सामने रोकी नहीं, बस उसको सीधा आगे लेके गया वो, यहाँ से तकरीबन 1/2 किलोमीटर आगे। तो मैंने कहा चल मैं बाइक लेके आता हूँ, उसके पास सामान है ना वो बस में है, तो मैं जा रहा हूँ अभी उसको लेके आता हूँ। तो इसको भाई को ले आया मैं, और ये मिला मेरे को जो फ्लाईओवर था ना, जो मैंने बताया था कि उसको आगे उतार दिया बस वाले ने, बस रोकी ही नहीं। तो अभी लेके आया हूँ, और हमने ना लंगर वंगर खा लिया, अब खा के वापस अपने वहीं जा रहे हैं। कौन सी जगह? सोने के लिए वहाँ पे जो मणि है, हाँ जहाँ पे बैठे थे ना वहीं जाके फिर आपसे बात करते हैं। इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा आप लोगों को, इसको 60 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पे आए, लेकिन खर्चा ना के बराबर, वहाँ जाके बताता हूँ। तो जिस इंटरेस्टिंग चीज़ की मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ इसके साथ, वो बता भाई कितने महीने हो गए तेरे को घर से निकले हुए? मेरे को 65 दिन हो गए भाई जी। इसको 65 दिन हुए हैं, और खर्चा बताता हूँ इसको कितना खर्चा हुआ है, सच बताना है। खर्चा 9.5-10 हज़ार रुपये। 65 दिन में 9.5-10 हज़ार रुपये खर्चा। मैं लद्दाख गया था 13-14 दिन में वापस आ गया था, 21 हज़ार रुपये खर्चा हुआ था मेरा अकेले का। इसका 9.5-10 हज़ार रुपये में, पर वही है ना साइकिल पे है, साइकिल चलाई है, पेट्रोल का तो है ही नहीं, बस खाने पीने का,
खाने, खाने पीने का भी ऊपर वाले एरिया में तो कुछ आया नहीं, नीचे वाले एरिया में तो हम गुरुद्वारे में रुक लिए। ऊपर वाले में आया कि मतलब खाने पीने का कहीं होटल वगैरह में खाना पड़ा, बाकी नीचे तो हम गुरुद्वारे में रुक लिए, मंदिर में रुक लिए, तो वहाँ तो कोई खाने का खर्चा ही नहीं था। ऊपर ऊपर खर्चा लगा उस हमारा, होटल लिया नहीं, होटल कहीं लिया नहीं, टेंट था टेंट लगाते थे, हर जगह टेंट लगाते थे, जहाँ जगह मिल गई टेंट लगा लिया, कहीं होटल नहीं लिया कहीं भी। 60-65 दिन में कहीं भी नहीं लिया, एक भी जगह नहीं लिया, मतलब ले सिटी में भी हमने ना दुकान के बाहर टेंट ही लगाया था, वहाँ भी होटल नहीं लिया ले सिटी में। अपने से नहीं होगा मनी से है? इतना यार मतलब लगा तो लेंगे हम भी टेंट, ऐसी बात नहीं है, पर 65 दिन में से मेरे ख्याल से टेंट ही हम 10-12 दिन लगाएंगे, है ना? कमाल कर रहा है, कमरी लेता बंदा है, कमरी लेता बंदा, कहीं ना कहीं रूम लेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करेंगे, पर कमाल है इनका। फिर एक चीज है ना, ऊपर इन्होंने टेंट लगा लिया, नीचे गुरुद्वारे में रह रहे हैं, है ना? शुरू से ही, हाँ शुरू से। हम घर से निकले पहले दिन ही, पहले दिन दोस्त के पास, दूसरे दिन आ, दूसरे दिन से ऐसे कर रहे हैं, दूसरे दिन से टेंट ही लग रहा है, फिर गुरुद्वारे में रुक रहे हैं। चलो इंटरेस्टिंग किस्सा था जो आप लोगों को सुना दिया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करने वाला हूं, जो मैंने गुरुद्वारा बताया था आप लोगों को मैं कल दिखाऊंगा, क्योंकि ना अभी रात हो गई है, मनीष अभी तो नहीं देख सकते वो, अब तो बंद होगा, सुबह सुबह होगा सही, सुबह देख लेंगे, हाँ सुबह बहुत अच्छा आएगा, सुबह देखेंगे, सुबह आप लोगों को दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल निकलते हैं मणि महेश के लिए, और जहाँ तक मतलब मणि महेश का जो लास्ट पॉइंट है कौन सा है वो हटसर, हटसर वहाँ तक पहुँचेंगे। वहाँ जाने के बाद ये कह रहा है टेंट लगाएंगे, मैंने कहा चलो ठीक है टेंट हमारे पास भी, इसके पास भी टेंट लगा, कैंपिंग करेंगे वहाँ। तो कुछ नहीं मिलते अब कल ही आपको, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।